उसकी चाबी देखा होगा ना आपको दिखता है क्लियर नहीं यहाँ तक तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा विंडो नहीं पड़नी है ना आपकी पेन ड्राइव तो चलेगी ना तो पेन ड्राइव को लोड करो आप और इसमें तो विंडो पे ये रहा विंडो पे क्लिक करो कि तुम आशा लेते हैं विंडो चेंज करो ना यहाँ पर यस्को आपको मतलब सबसे ज़्यादा ना डाउनलोड हमारा ऑप्शन होगा जहाँ पर स्मो मॉडल करते हैं पहली बार को और दोबारा से रीलोड करते हैं वो आप क्या जैसे रिपेयर आप करना चाहते हैं रिपेयर पे क्लिक करो तो सेम फंक्शन आता है रिपेयर किसको करना है टैब उसको करो तो आपसे करना चाहते हो उस पेन ड्राइव पर उसको सेलेक्ट करो और नेक्स्ट करो तो वैसे काम करेगा जैसे पीएस टैब कितने से रीलोड ही करेगा बट भी आपको पार्टीशन डिलीट करने का निकलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा पार्टीशन पैकेज बना हुआ है उसे भी सेव करना है नेक्स्ट करता ये नया तरीका है कि उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं फर्स्ट टाइम में शॉर्ट करके ना वो तरीके मतलब इतने कैपेबल हो गया अपने सिस्टम पे स्टार्टिंग डिस्क पर विंडो इंस्टॉल करके आप उसे यूज कर सकते हैं हाँ तो मैंने आपको स्टडी में यही बताया था कि आप फर्स्ट बूट डिवाइस तो बना दोगे लेकिन आपका सिस्टम विंडो इंस्टॉलेशन में कई बार बूट रिस्टार्ट होता है तो वो चीज गलत होती है उस टाइम के लिए बट इसमें एक और ऑप्शन आता है बूट सेटअप का F5 उससे क्या होगा वन टाइम उसे सिलेक्ट करोगे नॉर्मल जो रूटीन है उसको अपना रूटीन यूज करोगे वो हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग आता है और सेटअप में जाके सेट करने से क्या होता है कि वो सेटअप के अकॉर्डिंग चलेगा फिर क्या वो नोटिस स्टोर होती है ना वही चीज़ आते हैं वैसे रिस्टार्ट आ रही है आप कहीं होते हैं आपको पता है जो एक कंप्यूटर होता है जो हार्डवेयर होता है उसके आधे से आधे काम भी स्टार्ट करने सो जाते हैं सिस्टम के साथ में कोई काम कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है रिस्टार्ट कर रहा है उसको ये रहते रिस्टार्ट करके देखिए ऑटोमेटिकली मेंटेन कर लेगा उसको तो ये चीज होती है बहुत सारे काम रिस्टार्ट करने छोड़ जाते हैं मुझे रिस्टार्ट हो गया हो गया